बोर्ड लेके सरकार के खिलाफ में उस जगह पर ये लोग खड़े हैं। चलने में जदयू साथ नहीं रहेगा, नीतीश जी समझदार है। बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, नीतीश कुमार महागठबंधन में खुश नहीं, कभी भी बदल सकते हैं पाला। बता दें कि विधानसभा का सत्र जो है चलने से पहले महागठबंधन के लोग जो हैं वो बीजेपी पर आक्रामक हैं। वहीं बीजेपी के एक विधायक ने एक बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि कल नीतीश कुमार बीजेपी MLC के यहाँ छठ पूजा का प्रसाद खाने गए थे। हालांकि नीतीश कुमार तू जो है वो इफ्तार की पार्टी में गए थे, तो बिहार की सियासत में क्या कुछ हुआ, इसलिए नीतीश कुमार बिना मतलब के कहीं भी नहीं जाते हैं। और बीजेपी विधायक के इस बात में दम भी लगता है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी करते हैं वो राजनीति से प्रेरित होता है। तो कल जिस तरीके से बीजेपी MLC के वहाँ प्रसाद खाने गए थे, उसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गया था। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी विधायक ने इस तरफ इशारा किया कि उनका चेहरा आप देखिए वो कंफर्टेबल नहीं है। तो पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक, फिर बात करते हैं। कि जिस जगह पर हम लोग प्रदर्शन करते थे बोर्ड लेके सरकार के खिलाफ में, उस जगह पर ये लोग खड़े हैं, तो धीरे धीरे ये विपक्ष की ओर जा रहे हैं और हम लोग सत्ता पक्ष की ओर जा रहे हैं। तो पिछले वाले प्रदर्शन में JDU साथ नहीं थे, लेकिन इस बार JDU भी साथ है, क्या साथ क्या है भाई, खड़ा होके बोल रहा है लोग, चलने में साथे नहीं है, बोलने में साथे हैं, चलने में JDU साथे नहीं रहेगा। नीतीश जी समझदार है, उनको मालूम है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में गुंडागर्दी बढ़ रहा है, क्राइम का रफ्तार बढ़ रहा है, बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है, डेवलपमेंट से ही सरकार को मतलब नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, 4-4 DSP का डिप्टेशन हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, तालमेल का अभाव है, एक उचित निर्णय करने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो नीतीश कुमार ऐसे दबाव को महसूस नहीं करेंगे जैसा हम लोग। इस सरकार में नीतीश कुमार खुश नहीं, सफा खुश नहीं है, चेहरा से आपको खुश दिखते हैं, चेहरा से आपको खुश दिखते हैं नीतीश जी, आप लोग क्या चाहते हैं, तनाव में आपको नहीं दिखते हैं? नहीं, हम लोग क्यों चाहेंगे हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन नीतीश जी तनाव में है, ऐसे नीतीश जी कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, नीतीश जी का हर कदम सोच समझ के बढ़ता है। क्या भाजपा नेता के यहाँ जाने के पीछे वजह कुछ ना कुछ होगी, वो तो नीतीश जी बताएंगे। ऐसे वो छठ का प्रसाद खाने गए थे, लेकिन बिना वजह के नीतीश जी कहीं जाते नहीं, इसके पहले इफ्तार में गए थे तेजस्वी जी के यहाँ, कुछ दिन बाद देखे आपकी कैसी परिणति हुई थी। एक सवाल है, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, तो ये सवाल जो महागठबंधन के नेता उठा रहे हैं किस पर उठा रहे हैं, कोर्ट पर उठा रहे हैं या भाजपा के खिलाफ? देखिए, ये इनको जाना चाहिए हायर कोर्ट में, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाके जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान की जनता चलाक है, समझदार है। नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक तो मोदी का नाम लेके सीधे चोर कहे तो सजा हो गया, दूसरा चोर किसको कह रहा है, नाम तो बताए, तो दूसरा जो बोलेगा वो चोर वो सजा पाएगा, सजा तो पाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के सजा के बाद देश के प्रत्येक जाति और पार्टी के नेताओं को सबक है कि भाषा संयमित होना चाहिए, हमें भाषा सोच समझ के बोलना है ताकि किसी को भी आघात नहीं पहुंचे, किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी मजहब को, तो हर किसी को समझना पड़ेगा। तो लगातार बिहार की सियासत में जो है ये खबरें चल रही हैं कि बीजेपी में फिर जाने का प्लान तो नीतीश कुमार का नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार कांग्रेस के मसले पर चुप हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी की संसदीय मेंबरशिप खत्म हुई है पूरे देश की सियासत पार्टियां एकजुट हो गई हैं, जो पहले अलग थलग थी, तितर बितर थी, लेकिन राहुल गांधी की जो संसदीय मेंबरशिप खत्म होने के बाद सारे लोगों ने बोला, चाहे वो ममता बनर्जी जो राहुल गांधी की धुर विरोधी मानी जाती हैं, अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पर हमलावर रहते इस मसले पर बोला, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे। अलग बात है कि उनके मंत्री जो हैं JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है, और इस चुप्पी के बीच उनका बीजेपी MLC के घर प्रसाद खाने जाना, ये कहीं ना कहीं या तो वो पाला बदलने के मूड में हैं या फिर राजनीतिक तौर पर दबाव महसूस कर रहे हैं, और उस दबाव को पलटने की, यानी वो दूसरे पर दबाव, अपने साथियों पर दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सियासत है, कुछ भी यहाँ कभी भी हो सकता है, सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।